साथियों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जोहार। साथियों, झारखंड स्टेट में हर दिन 3 से 5 मौतें हो रही है। वजह, अस्पताल से पहले अधिकांश लोग झाड़ फूंक में समय बर्बाद करते हैं। तो हमारे कुछ मित्र ने बोला कि अगर 20 साल पुराना 20 ईयर्स ओल्ड कोबरा अगर मिले तो उसमें मनी जरूर निकलता है, लेकिन आपको स्टील थाली में ही उसे निकालना होगा। तो साथियों, आज वीडियो में सबसे अलग जानकारी देंगे नाग मणि का आखिर रहस्य क्या है। देखिए, 20 साल पुराना कोबरा आपके समक्ष दिखलाया जा रहा और इसी के माथे से नाग मणि निकलेगा, वो भी स्टील का बर्तन में। देखिए, हमारा दोस्तों ने बोला कि स्टील का बर्तन में ही कोबरा को खड़ा कीजिएगा, तभी नाग मणि निकलेगा। बहुत पुराना कोबरा है साथियों, ये लगभग 20 इयर्स ओल्ड होगा। 20 साल का जब कोबरा हो जाएगा और बड़ा छतरी होगा तो उसके माथे से नागमणि निकलेगा, अवश्य निकलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके सामने नागमणि निकाल करके दिखलाना, इसीलिए वीडियो का आखिरी तक बने रहे। देखते हैं इसके माथे से नागमणि निकलता है या नहीं, ये जानना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। ये स्टील का बर्तन यहाँ रख देते हैं और इस कोबरा को ध्यान से यहाँ ले चलते हैं। वीडियो का आखिरी तक बने रहे साथियों। ये रहा छुरी, देखिए ये छुरी यहाँ से हम चीरा लगाएंगे, नागमणि स्टोन ब्लैक निकलना शुरू हो जाएगा। चूंकि YouTube में हमें दिखलाया गया, चूंकि इसीलिए कि हमारा जो खास करके स्नैक होगा वो स्वस्थ होगा और फर्स्ट क्लास का बाइट करने में माहिर होगा, यही है कोबरा। और साथियों, सपेरे लोग क्या करते हैं, खास करके जो ताबीज उबीज का चक्कर में खास करके गांव-गांव में घूमते हैं, वो लोग इस तरह का सांप को पकड़कर पहले से ही स्टोन जो होता है वो स्टोन क्या करते हैं, इस तरह यहां पर देख रहे हैं ना, इस जगह पर क्या करते हैं, चीरा लगा करके यही स्टोन को पहले से रख करके और फेविक्विक के द्वारा साट दिया जाता है। फेविक्विक से सटने के बाद फिर वो गांव-गांव ले जा करके इसे क्या करते हैं, लोगों को भ्रमित कर, खास करके लोगों को भ्रमित करके कहते हैं कि यहाँ से हम स्टोन निकाल दिए। देखिए साथियों, यही है असली नागमणि का रहस्य। बिल्कुल अंधविश्वास है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मूठ का यहाँ चीरा लगाकर ये स्टोन पहले से ही डाल के रखते हैं और जब बिक्री करने का बारी आता है तो सपेरे लोग इसे चीरा को इसी तरह ब्लेड से लगा करके काट देते हैं और उसमें से ये स्टोन पहले से ही अंदर रहता है। ऐसा नहीं है, इस वर्ल्ड में नागमणि बोलकर के साथियों कुछ नहीं है, नागमणि बोलकर कुछ नहीं है, बिल्कुल ये अंधविश्वास है, बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 40 साल से हम लोग रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग कैमरा लेके पीछे जाइए चूंकि हम सांप छोड़ने वाले हैं। देखिए तो साथियों, ध्यान रहे, आप लोग खड़े हो जाइए कैमरामैन। साथियों ध्यान रहे, सांप से ज्यादा तंत्र मंत्र वाले ही जहरीले हैं। विषहीन सांप जानलेवा नहीं, इनके दंश का इलाज करके ही ओझा जीतते हैं। लोगों का विश्वास, समझदार बनिए, नोटिस न करें, काटे तो सीधा सरकारी सदर अस्पताल जाएं, क्योंकि वहां शर्म दंश का मुकम्मल इलाज है। तो साथियों, ये हमारा अपना एक्सपीरियंस कर रहा है, इस वर्ल्ड में नागमणि पाया ही नहीं गया है। देखिए बिल्कुल स्वस्थ है और आज हम चाहते हैं कि इसे ऐप दिखिए, आज इसे हम चाहते हैं कि प्राकृतिक परिवेश में हमेशा के लिए छोड़ दें, चले जाइए अपने घर, जहां अंधविश्वास हावी है
उनकी मानसिकता को चेंज करना सबसे ज्यादा टफ है। रिलीज फ्रॉम फॉरेस्ट एरिया, थोड़ी देर में ये आस्ते आस्ते चला जाएगा। जय हिंद, जय भारत, और हम गर्व से कहेंगे वंदे मातरम।